हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल मेटामॉर्फोसिस अगेन। और जो आज हमने सेक्शन लिया है, अगेन ये यूट्यूब वीडियो भी हम बाइलिंगुअल रखेंगे, इंग्लिश और हिंदी। और आज का सेक्शन है नाउन, सेंटेंस एरर्स इन नाउन। एंड आई हैव रिटन सर्टेन सेंटेंसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज विच आर वेरी हार्ड यू नो टू फाइंड आउट द रियल एरर्स इन दीज सेंटेंसेस। इसके कुछ कारण होते हैं कि जब हम किसी भी सिस्टम से होके गुजरते हैं तो जैसा हमें पढ़ाया गया होता है या जैसा हमने आसपास एनवायरनमेंट में सुना होता है वो हमारे माइंड के अंदर एक रियल फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड दीज सेंटेंसेज आर अमंग दो सेंटेंसेज विच आर एब्जॉर्ब इन ए रॉन्ग वे। और जब हम एक सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे अंदर एक ब्लॉक लगा देता है बिकॉज वी थिंक दैट दीज ऑल आर करेक्ट सेंटेंस, और फिर हम जो एरर है उसे फाइंड आउट कर पाने में मुश्किल होती है। तो ये बहुत ही सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज आर देयर। और इसमें जो हम पांच सेंटेंस ले रहे हैं उसमें जो पहला सेंटेंस है उसकी ओर चलते हैं। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? सो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि डेट ऑफ बर्थ ऐसे कभी भी सेंटेंस में अगर आपके पास लिखा हुआ मिले तो आप तुरंत एरर सेक्शन को डेट ऑफ बर्थ ही समझिए। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एक इंडिपेंडेंट फ्रेज है। फ्रेज मींस कलेक्शन ऑफ वर्ड। अगर मैं इसे अकेले डेट ऑफ बर्थ लिखता हूं जैसा कि आप फॉर्म्स में देखते हैं तो यह डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही और अलाउड है। लेकिन जैसे ही मैं फॉर्मल इंग्लिश और क्लासिकल इंग्लिश और ग्रामर की बात करता हूं तो व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ एक रॉन्ग यूज है। और इसको सिर्फ सही किया जा सकता है कैसे? इसका करेक्ट सेंटेंस है व्हाट इज द डेट ऑफ योर बर्थ। तो अगर आपको यह मिले कि डेट ऑफ बर्थ कहीं भी लिखा हुआ है सेंटेंस का एक हिस्सा तो डेफिनेटली यहां पर एक मिस्टेक मानी जाएगी और इसको हम सिर्फ ऐसे ही समझ सकते हैं कि करेक्ट ये व्हाट इज द डेट ऑफ योर बर्थ होता है। दूसरा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आई एम योर इंग्लिश टीचर। एंड अगेन ये एक बड़ा स्टनिंग जो है स्टेटमेंट है कि इंग्लिश पढ़ाने वाले को इंग्लिश कभी नहीं कहा जाता, इंग्लिश टीचर कभी नहीं कहा जाता। तो फिर सरप्राइज ये होता है कि इंग्लिश पढ़ाने वाले को अगर इंग्लिश टीचर नहीं कहते, इफ यू डोंट कॉल अ पर्सन हु इज टीचिंग इंग्लिश इंग्लिश टीचर, देन व्हाट? देन आई वुड लाइक टू टेल यू अ वेरी ग्रेट केमिस्ट्री हियर दैट अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम अमेरिका इज कॉल्ड यू नो अमेरिकन। अ पर्सन हु इज फ्रॉम चाइना, व्हाट डू यू कॉल हिम? चाइनीज। A person who come from England either is called an English or is called British. So now think about this. If I am talking of English teacher, it means simply a teacher who belongs to England. It is not a teacher who teaches English. So it's quite surprising that we keep on talking. Even the teachers say that in classroom that I am your new English teacher and I will teach you English. No. My dear, English teacher is a wrong use when we talk about teaching English. So, English teacher, instead of English teacher, we can only call it by three options. One is, I am your teacher of English, number one. Repeating, I am your teacher of English. Number two, we can use verb here, I teach English. Second, and third is, I am a lecturer in English. When we call lecturer, then we use in. I am a lecturer in English. Except these three, we cannot call a teacher who teaches English by any way. So English teacher is not the correct use because it means simply a nationality. The same goes for French also. You know, wherever the subject denotes nationality also, वहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा जहाँ राष्ट्रीयता subject दिखाता है। तो ये सही होगा, आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। चलते हैं तीसरे सेंटेंस की ओर। सचिन स्कोर 13 रन्स इन फर्स्ट इनिंग। और इसमें हमें देखने से कोई भी गलती नजर नहीं आती क्योंकि जो गलतियां हम स्पॉट आउट करते हैं वो तभी कर पाते हैं जब हमारे अंदर एक करेक्ट स्ट्रक्चर हो। तो ये जो गलती है, ये गलती अगेन इट बिलोंग्स टू नाउन इनिंग। इनिंग इज नो वर्ड एंड इन प्रॉप In when we talk of a noun, it is always innings. तो हमें एक आदत पड़ चुकी है कहने की हिंदी में कि first inning का क्या score था, first inning में क्या score किया। इस वजह से हम सोचते हैं कि शायद inning ही सही शब्द है, लेकिन हमें ऐसा बोलना चाहिए कि first innings में क्या score रहा, second innings में क्या score रहा,
तो ये इनिंग्स इज द करेक्ट नाउन, तो यहां पर जो गलती होगी वो इस सेक्शन में होगी इनिंग के। चौथे में आते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, देयर इज नो प्लेस ऑन दिस बेंच। जब मैंने ये सेंटेंस बहुत सारे बच्चों के सामने रखा तो वो चाहकर भी इसमें कोई गलती नहीं निकाल पाए, बट देयर इज ए ब्लंडर। यू नो बेंच में कोई प्लेस जैसा वर्ड यूज नहीं होता, क्यों? क्योंकि प्लेस एक कंसिडरेबली बड़ी जगह को प्लेस कहा जाता है, और बेंच में हमें बैठने के लिए वी रिक्वायर अ कंसिडरेबली स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस। तो जब बहुत बड़े स्पेस की बात होती है, जब कंसिडरेबली जो स्पेस कंसिडर किए जा सकने लायक हो उनको प्लेस कहते हैं। तो इसके लिए बहुत शानदार नाउन जो है वो प्लेस की जगह आना चाहिए, रूम। देयर इज नो रूम ऑन दिस बेंच। अब बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं कि रूम क्यों, रूम का मतलब तो कमरा है, बट रूम का मतलब कंसिडरेबली वेरी स्मॉल स्पेसेस। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इन मैनी प्लेसेस रूम को एक्सक्यूज मी का एक अल्टरनेटिव टर्म माना जाता है, वो इस तरीके से यूज किया जाता है, रूम प्लीज। और रूम प्लीज का मतलब है कि क्या आप मुझे थोड़ी जगह देंगे। और अगर आपके सामने जो रूम का मतलब कमरा ही समझता है, अगर उसके सामने हम कहते हैं रूम प्लीज, तो उसका स्टेटमेंट या आंसर आएगा नहीं, मैं किराया नहीं लगाता। एनीवेज, तो रूम्स का मतलब है देयर इज नो रूम ऑन दिस बेंच। और रूम से मैं आपको ले चल रहा हूं एक बहुत अच्छे फ्रेज की ओर, जो फ्रेज आ सकता है, एक फ्रेज है एल्बो रूम। एल्बो रूम इसी से बना हुआ एक मुहावरा है, और एल्बो रूम के लिए हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि बॉडी से लेके एल्बो तक का ये स्पेस, जितनी जगह हमें सिर्फ पास होने लायक के लिए चाहिए, जहां से हम निकल सकते हैं, स्पेस इनफ टू पास फॉर समवन, तो वो स्पेस होता है एल्बो रूम। तो जैसे ही आप कहेंगे एल्बो रूम प्लीज, तो मुझे निकलने लायक जगह चाहिए, ये मैं बात कर रहा हूं। सो इसमें प्लेस की जगह एक मिस्टेक है, एंड यू विल बी सेइंग दैट देयर इज नो रूम ऑन दिस बेंच। और लास्ट वाला सबसे इंटरेस्टिंग, जिसमें तीन सेगमेंट बनते हैं और इसी के साथ हम एंड करेंगे, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जूरी, जो कि अपने आप में कलेक्टिव नाउन है, और वो कलेक्शन ऑफ जजेस होते हैं जो किनारे बैठते हैं और जो डिसाइड करते हैं। इसमें इनके दो जो है आपके डिसीजंस हो सकते हैं। एक डिसीजन तो ये है कि सारे लोग एकमत हो जाएं, यूनैनिमस, कि अगर इसको ये सजा मिलनी है तो मिले, और सब लोग इस पे मोहर लगाएं कि हम सब इस सजा के लिए इसको बोलते हैं। और दूसरा हो सकता है कि ये लोग सारे लोगों के ओपिनियन डिफरेंट हो जाएं। तो जैसे ही यूनैनिमस हो जाता है, जैसे ही इनका डिसीजन एक हो जाता है, तो पहली एरर ये होती है कि जूरी यहां पर इज है तो ये सिंगुलर में यूज होगी वर्ब जूरी के साथ, जब यूनैनिमस होंगे तो यहां पर जूरी जैसे डिवाइडेड होगी, डिफरेंट होंगे ओपिनियन, तो प्लूरल की वर्ब यूज होगी। अब आप अगर इस सेंटेंस में देखें तो जूरी यूनैनिमस है या डिवाइडेड है, जूरी डिवाइडेड है, तो इसका मतलब हमारी वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, इच की जगह हमारा आना चाहिए द जूरी आर, द जूरी आर डिवाइडेड। और जैसे ही हमने डिवाइडेड कहा तो हमें प्रोनाउन भी बदलना पड़ेगा, इन इट्स की जगह आ जाएगा प्लूरल प्रोनाउन इन देयर ओपिनियन, तो जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अगर यहां पर हम यूनैनिमस लिखते तो इज बिल्कुल करेक्ट होता, तो जैसे एक मत होता है, यूनैनिमस डिसीजन होता है, तो वर्ब इज और प्रोनाउन भी सिंगुलर, और जैसे डिफरेंट ओपिनियन होते हैं तो वर्ब भी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल। और एक मिस्टेक और आ सकती है कि जूरी की जगह अगर हम जूरीज लिख दें तो यह बिल्कुल एरर होगी, क्योंकि जूरी अपने आप में कलेक्टिव नाउन है और इसका कोई भी फॉर्म जूरीज नहीं होता। सो दीज आर 5 सेंटेंसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पर्टिकुलरली दिस जूरी सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इंग्लिश टीचर एंड ऑल ऑलमोस्ट ऑल। सो आई होप दैट यू वुड लाइक इट, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसे देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर रहे हैं। प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग, एंड आई विल कीप पुटिंग फोर्थ सच एन इंपॉर्टेंट मैटर फ्रॉम ग्रामर एज वेल एज लिटरेचर फॉर LT लेक्चरर एंड नेट एस्पायरेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।